कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। अरे अंजिता, मुझे बताया कि आप तो सिनेमा देखने के बड़े शौकीन हैं, फिल्में देखा करते हैं। अच्छा ट्रीसा, आपने और गायत्री ने लौटने के बाद सेलिब्रेट करने का कैसा प्लान बना है? सर, उधर जाके मेडल आए तो वी विल सेलिब्रेट। आपने साबित कर दिया कि अगर जीतने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। डेविड, आपका नाम तो एक बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर है, लेकिन आप साइकिलिंग करते रहते हैं। जब विजयी होकर के आएंगे तो मेरा यहाँ आना का निमंत्रण अभी से दे देता हूँ आपको कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। अविनाश, मुझे बताया गया कि आप फौज में हैं और आपने तो सियाचिन में भी पोस्टिंग कर चुके हैं। महाराष्ट्र से आना और हिमालय में ड्यूटी देना, पहले तो मुझे इस विषय में बताइए अपने अनुभव। आर्मी की जो ड्यूटी होती है, नॉर्मल ड्यूटी में 4 साल मतलब मैं नॉर्मल ड्यूटी किया और मतलब उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब उस ट्रेनिंग से मैं किसी भी फील्ड में अभी जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। अंजिता जी नमस्ते। लोग कहते हैं कि आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, एकदम से कूल जिसको कहते हैं, और आपका खेल तो है जिसमें पावर लगता है, शक्ति का खेल है। तो ये शक्ति और शांति, ये दोनों को कैसे आपने मेल बिठा दिया है? सर कुछ योगा करते हैं हम जो सर, तो उससे दिमाग शांत हो जाता है और ट्रेनिंग के टाइम उसको बाहर निकलते हैं। अच्छा ट्रीसा, आप कन्नूर जिले से हैं, वहाँ की तो खेती और फुटबॉल दोनों बहुत प्रसिद्ध है। आपको बैडमिंटन के लिए किसने प्रेरित किया? Sir, my father motivated me to play the sport as volleyball and football is more popular in my hometown, but badminton is more convenient to play in that age, at the age of 5. अभी तो पूरा कैरियर आपके सामने है, अभी तो आपकी जिंदगी शुरुआत है और आप हर मैच में अपना 100% दीजिए, हर मैच को पूरी गंभीरता से लीजिए। मैच के बाद परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आपका लगना, यानी बिल्कुल आपको लगना चाहिए कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे सभी टोली को शुभकामनाएं मेरी। सलीमा जी कैसी हैं आप? ठीक है सर, आप लोग कैसे? तो अभी कहाँ कोचिंग के लिए, कहीं और है, बाहर हैं आप? जी सर, अभी इंग्लैंड में है हम लोग। अच्छा, यूके में है। अच्छा सलूमा, मैं कहीं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप और आपके पिता ने हॉकी के लिए बहुत संघर्ष किया है। जी सर बिल्कुल, जैसे मैं एक गांव से हूँ तो जैसे मेरे पापा भी खेलते थे पहले, जब उनका एज था, पर अभी तो बहुत टाइम होने पापा छोड़ दिए, तो मैं उनके साथ कहीं भी पापा जाते थे खेलने के लिए तो मैं उनके साथ साइकिल में जाती थी खेलने उसके साथ। तो मैंने पापा से ही सीखा है कि मतलब स्ट्रगल करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे अपने फैमिली से, उनसे बहुत अच्छा लगता है मुझे कि उनसे मैंने इतना अच्छा नॉलेज सीखा है। टोक्यो ओलंपिक्स में भी हम जाने से पहले आपने हमसे सबसे बात की थी तो हमें बहुत अच्छा लगा, फिर हमें बहुत ज्यादा मोटिव हुआ। मैं आपके माध्यम से महिला और पुरुष दोनों ही हॉकी टीम को अपनी ओर से और देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शर्मिला जी, हरियाणा से आप, हरियाणा से हैं तो खेलकूद में तो हरियाणा होता ही होता है। अच्छा, आपने 34 साल की उम्र में खेलों में कैरियर शुरू की और आपने 2 साल में ही गोल्ड मेडल भी जीत कर दिखा दिया। जरा मैं जरूर जानना चाहूँगी चमत्कार कैसे हुआ, आपकी प्रेरणा क्या है? और सर, मेरी जिंदगी में बहुत बड़े तूफान आए हैं, लेकिन मेरा बचपन से शौक था खेलने का, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। फैमिली में भी गरीब थे, मेरे पापा, माँ ब्लाइंड थी, 3 बहनें, एक भाई है हमारा, बहुत ज़्यादा गरीब सर। फिर मेरी छोटी उम्र में शादी कर दी गई, लेकिन आगे हस्बैंड कुछ नहीं मिले, बहुत अत्याचार किए। मेरी 2 बेटियां हैं सर, वो भी स्पोर्ट्स में है, लेकिन तीनों माँ बेटियों पर हम पर बहुत अत्याचार हुआ। तब मेरे माँ बाप मुझे अपने मायके में ले आए, 6 साल में मायके में रही हूँ सर। लेकिन मेरे मन में बचपन से ही कुछ करने का था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला सर मुझे। तो सेकंड मैरिज के बाद मुझे खेल स्पोर्ट्स में हमारे रिलेटिव टेकचंद भाई जो है फ्लैग बैरियर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और उनकी वजह से आज मैं नेशनल में 1 साल 2 साल में मैं गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ सर। शर्मिला जी, आपके जीवन की अनेक बातें ऐसी हैं जिसको सुन करके कोई भी ये सोचेगा कि भाई अब आगे जाना नहीं, छोड़ दो दुनिया में, लेकिन आपने कभी हिम्मत हारी नहीं। शर्मिला जी, आप वाकई हर देशवासी के लिए एक रोल मॉडल है। शर्मिला जी, आपने जिस उम्र में खेलने की सोची, उसमें बहुत से लोगों के लिए खेल शुरू करना मुश्किल होता है। आपने साबित कर दिया कि अगर जीतने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अच्छा डेविड, आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। खेलो इंडिया गेम्स से आपको कैसे मदद मिली? इस जीत ने आपके संकल्प को कितना और मजबूत किया? जी सर, वो मेरा पहला जर्नी था कि मैं अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था 2 बार, और मैं बहुत खुशी की बात है कि मैं मन की बात में आपने मेरा बारे में बहुत बोला था और मैं बहुत खुश था। देखिए डेविड, आपने अंडमान निकोबार को याद किया, और मैं जरूर कहूँगा कि आप देश के सबसे खूबसूरत क्षेत्र से आते हैं। मैं आपके परिवार को प्रणाम करता हूँ कि इतनी विषमताओं में भी उन्हें आपको प्रोत्साहित किया। मैं आपको ये जरूर वादा करता हूँ कि जब आप लौटेंगे तो हम जरूर मिलकर आपकी विजय का उत्सव मनाएंगे। साथियों, आज का ये समय भारतीय खेलों के इतिहास का एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। आज आप जैसे खिलाड़ियों का हौसला भी बुलंद है, ट्रेनिंग भी बेहतर हो रही है और खेल के प्रति देश में माहौल भी जबरदस्त है। कॉमनवेल्थ की जो टीम, ये अपने आप में कई मायनों में बहुत खास है। हमारे पास अनुभव और साथ साथ नई ऊर्जा दोनों का अद्भुत संगम है। आप सिर्फ खेलों में नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर न्यू इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप जैसे युवा खिलाड़ी ये साबित कर रहे हैं कि भारत का कोना कोना खेल प्रतिभाओं से भरा हुआ है, जो पहली बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर उतर रहे हैं। उनसे मैं कहूँगा कि मैदान बदला है, माहौल भी बदला होगा, लेकिन आपका मिजाज नहीं बदला है, आपकी जिद नहीं बदली है। लक्ष्य वही है कि तिरंगे को लहराता देखना है, राष्ट्रगान की धुन को बजते सुनना है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए, यही कोटि कोटि देशवासियों की आपसे अपेक्षा है। देशवासियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी हैं, देशवासियों की तरफ से आपको आशीर्वाद भी हैं, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।